हेलो गाइस, ड्रेनेज पार्ट फोर्थ के अंदर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पांच शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्दर पांच मोर क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेथड्स ऑफ ड्रेनेज एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड, अर्थात जल निकास के तरीकों के नाम बताइए और किसी एक विधि को समझाइए। आंसर, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। द मेथड्स ऑफ ड्रेनेज आर, सबसे पहला है दोस्तों सरफेस ड्रेनेज अर्थात पृष्ठीय जल निकास। तो इसकी सब टाइप्स हैं, परमानेंट ड्रेन्स यानी स्थायी नालियां, दूसरा है टेम्पररी ड्रेन्स यानी अस्थायी नालियां, तीसरा कटआउट ड्रेन्स, चौथा जो है कटिंग ऑफ बक्स इन फ्लैट लैंड अर्थात समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज अर्थात भूमिगत जल निकास, जिसमें पहला है टाइल ड्रेन्स, दूसरा है स्टोन ड्रेन्स, तीसरा जो है वो है मोल ड्रेन्स, चौथा पाइप ड्रेन्स और पांचवा और आखिरी है पोल ड्रेन्स। तो दोस्तों ये थे सब टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज अर्थात पृष्ठीय जल निकास। दोस्तों दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन आवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ड्रेनेज इज डन बाय ओपन ड्रेन्स फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द लैंड। यानी दोस्तों हमारे देश में प्रायः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है। दोस्तों द मेन ड्रेन्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स द लोअर सरफेस, अर्थात मुख्य नालियां सदैव निचले धरातल की ओर होती हैं। दीज ड्रेन्स ड्रेन्स शुड बी एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अर्थात दोस्तों ये निकास नालियां खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर गहरी होना चाहिए। कट आउट ड्रेन्स आर, अच्छा दोस्तों दीज ड्रेन्स आर मेड परमानेंट और टेम्पररी, अर्थात दोस्तों ये जो हैं ये नालियां स्थाई अथवा अस्थाई बनाई जा सकती हैं। कटआउट ड्रेन्स आर यूज्ड इन एरियाज एडजेसेंट टू द कैनाल्स वेयर द कैनाल इज हायर देन द ग्राउंड लेवल ऑफ द फील्ड, अर्थात दोस्तों नहरों के समीप पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खेतों के धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहर होती हैं वहां कटआउट नालियां बनाई जा सकती हैं और उपयोग में उनका लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी टू बेनिफिट्स एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कटआउट और ओपन ड्रेन्स, अर्थात दोस्तों कटआउट या खुली नालियों के कोई दो लाभ एवं दो हानियां लिखिए। ये प्रश्न सन 2015 में एमपी बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं कटआउट ड्रेन्स के। तो पहला बेनिफिट है कि टेक्निकली स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ड्रेन्स, अर्थात दोस्तों नालियों का निर्माण करने में तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता यहां पर नहीं होती, मींस द स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड वन इज सेविंग ऑफ ड्रेन्स शेप्स लेबर एंड कैपिटल, अर्थात दोस्तों नालियों की सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की बचत होती है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं लॉसेस ऑफ कटआउट ड्रेन्स, अर्थात कटआउट ड्रेन से होने वाली हानियां, जिसमें कि पहला है डिफिकल्टी इन डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क अराइजेस, अर्थात दोस्तों यहां पर कृषि कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द एरिया ऑफ एरेबल लैंड, अर्थात दोस्तों कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। तो ये था लॉसेस ऑफ कटआउट ड्रेन्स, जो कि सन 2015 में एमपी बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट फोर क्वालिटीज एंड फोर डिफेक्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों भूमिगत जल निकास के चार गुण अर्थात लाभ एवं चार दोष अर्थात हानियां लिखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो फर्स्ट बेनिफिट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन द लैंड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन प्लॉइंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों भूमि में कृषि क्रियाएं जैसे कि जुताई आदि में अड़चन नहीं आती है।
दूसरा जो है कि रिपीटेड रिपेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड वंस ड्रेन्स आर मेड इनसाइड द लैंड, अर्थात दोस्तों भूमि के अंदर एक बार नालियां बनाने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज सॉइल इरोजन प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, अर्थात दोस्तों यहाँ पर मृदा क्षरण की समस्या पैदा नहीं होती है। फोर्थ और लास्ट बेनिफिट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द लैंड इज सेव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों भूमि का उपजाऊ भाग नष्ट होने से बच जाता है। Now let us discuss about disadvantages of underground drainage. First point is more money is spent in making it for the first time. अर्थात दोस्तों पहली बार बनाने में अधिक धन खर्च होता है, यानी अंडरग्राउंड का कंस्ट्रक्शन करोगे तो पहली दफा ज़्यादा खर्च होगा। सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, सही बात है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट इज रिपीटेडली द विड्थ ऑफ दीज ड्रेन्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एज रिक्वायर्ड, यानी बार बार इन नालियों की चौड़ाई आदि आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि पक्की नालियाँ होंगी ये। फोर्थ पॉइंट इज ड्रेन्स डू नॉट डू वेल इन क्ले सॉइल्स, तो क्ले मिट्टी वाली भूमि में नालियां अच्छा काम नहीं देती हैं दोस्तों। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों सिंचाई एवं जल निकास में कोई चार अंतर लिखिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक चार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सन 2011, 13, 18 और सन 2020 में। चलिए दोस्तों देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। फर्स्ट पॉइंट फॉर इरिगेशन इज वाटरिंग द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन, अर्थात दोस्तों खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट फॉर ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों खेत से अनावश्यक पानी निकालना जल निकास कहलाता है। सेकेंड पॉइंट फॉर इरिगेशन इज ड्रेन्स आर मेड हायर देन द फील्ड फॉर इरिगेशन, अर्थात दोस्तों सिंचाई हेतु नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट फॉर ड्रेनेज इज ड्रेन्स ड्रेनिंग एक्सेस वाटर आर मेड बिलो द सरफेस, अर्थात दोस्तों फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियां धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट फॉर इरिगेशन इज इरिगेशन ड्रेन्स नीडेड थ्रू आउट द ईयर, अर्थात दोस्तों सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, यानी थ्रू आउट द ईयर रहेगी। थर्ड पॉइंट फॉर ड्रेनेज इज दीज ड्रेन्स आर मेनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन, अर्थात दोस्तों इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट फॉर इरिगेशन इज द वाटर लेवल इन द लैंड राइजेज ड्यू टू इरिगेशन, अर्थात दोस्तों सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट फॉर ड्रेनेज इज द वाटर लेवल इन द लैंड ड्रॉप्स डाउन ड्यू टू ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचे गिरता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ कटआउट ड्रेनेज कोएफिशिएंट कैपिलरी वाटर एंड मोल ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों कटआउट जल निकास गुणांक कोशिकीय जल तथा मोल जल निकास की परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न 2019 का है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर कटआउट, दोस्तों दिस इज द सिस्टम ऑफ सरफेस ड्रेनेज दैट इज अडॉप्टेड इन एरियाज वेयर द कैनाल इज अबव द ग्राउंड लेवल, अर्थात दोस्तों यह पृष्ठीय जल निकास की एक ऐसी प्रणाली है जो ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां नहर खेत के धरातल से ऊपर बहती है। दोस्तों इन दिस सिस्टम अ 60-90 सेंटीमीटर डीप एंड 1-1.5 मीटर वाइड अ ड्रेन इज डिग बिटवीन कैनाल एंड फील्ड इन विच द वाटर दैट सीप्स फ्रॉम द कैनाल गेट्स कलेक्टेड, दीज ड्रेन्स आर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, अर्थात दोस्तों इस प्रणाली में नहर एवं खेत के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी एवं 1-1.5 मीटर चौड़ी नाली खोद देते हैं जिसमें नहर से रिसकर आया हुआ पानी एकत्रित हो जाता है। दोस्तों इन नालियों का संबंध मुख्य निकास नाली से कर देते हैं। ड्रेनेज कोएफिशिएंट अर्थात जल निकास गुणांक, द ड्रेनेज कोएफिशिएंट ऑफ 24 आवर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ नोन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज कोएफिशिएंट,
अर्थात दोस्तों किसी ज्ञात क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल से 24 घंटे में जितना जल की निकासी होती है वह जल निकास गुणांक कहलाता है, अर्थात द ड्रेनेज कोएफिशिएंट ऑफ 24 आवर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ नोन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज कोएफिशिएंट। चलिए देखते हैं वाटर ड्रेनेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। तो वाटर ड्रेनेज कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड इन 24 आवर्स अपॉन एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, अर्थात दोस्तों जल निकास गुणांक बराबर 24 घंटे में निकलने वाली जल की मात्रा अपॉन क्षेत्रफल, वो भी वर्ग मीटर में। Now let us discuss about the definition of capillary water. The water which remains in the microscopic pore spaces of the soil and is found in the form of a thin film around the soil particles is called capillary water. Plants absorb this water. अर्थात दोस्तों वह जल जो मृदा के सूक्ष्म छिद्रों में रुका रहता है तथा मृदा कणों के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में पाया जाता है कोशिकीय जल कहलाता है। इस जल को ही पौधे अवशोषित करते हैं अर्थात एब्जॉर्ब करते हैं। एट लास्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ मोल्ड ड्रेनेज। दोस्तों दिस इज अ मेथड ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज इन विच ड्रेन्स आर मेड इन द लैंड विद द हेल्प ऑफ मोल प्लाव। अर्थात दोस्तों मोल जल निकास क्या होता है? मोल जल निकास यह भूमिगत जल निकास की एक विधि है जिसमें मोल हल द्वारा भूमि में नालियां बनाई जाती हैं। सो दोस्तों दैट्स इट अबाउट अवर टुडेज वीडियो। इस चैप्टर के हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ लिए। अब आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।